खबर छतरपुर से है, जहां जिला के बड़ा मलहरा स्थानीय विधायक कार्यालय में भाजपा पार्टी ने हिंदू गौरव यात्रा के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया है। मुख्य अतिथि एवं यात्रा के संयोजक भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेन्द्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह एवं क्षेत्रीय विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है। उक्त बैठक में संयोजक पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे सुपुत्र हिंदू गौरव यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक नीरज सिंह 11 सितंबर को छतरपुर आ रहे हैं और छतरपुर से भगवा ध्वज के साथ हिंदू गौरव मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय संयोजक नीरज सिंह शामिल रहेंगे। उक्त यात्रा बुंदेलखंड के पराक्रमी छत्रसाल महाराज, जिन्होंने 52 युद्ध लड़े थे, जो एक भी युद्ध हारे नहीं, ऐसे पराक्रमी छत्रसाल महाराज की नगरी मौसानिया में भगवा ध्वज समर्पित करते हुए रैली का समापन होगा। इसके बाद वहीं पर मंचीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता नाथूराम पन्या, वरिष्ठ नेता आनंद सिंह बुंदेला, सांसद प्रत्युत सुनील मिश्रा, भाजपा पूर्व जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रवि त्रिपाठी, घुवारा मंडल अध्यक्ष स्वरूप सिंह घोष सहित पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। हो गए, अगर मुस्लिम भी आए तो भारत से बाहर नहीं निकल पाए। मतलब हमने यहाँ पे ब्रेक लगाने का काम किया। आप जापान चले जाओ, दक्षिण कोरिया चले जाओ, वहां पे कोई, आप श्रीलंका में अब तो बाद में हुआ, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे धर्मांतरण नहीं हुआ जितना भारत में हुआ। क्योंकि यहाँ पे हिंदू गौरव यात्रा जो 11 सितंबर को छतरपुर में आयोजित होनी है, उसको लेके ये यात्रा चल होने वाली है, जिसमें हमारे बुंदेलखंड के पराक्रमी छत्रसाल महाराज, जिन्होंने 52 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा, उस सब युद्धों में उनकी विजय हुई, उनका पराक्रम, जिससे उन्होंने मुगलों को बुंदेलखंड में प्रवेश नहीं करने दिया, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक नीरज सिंह जी इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आ रहे हैं, जिसमें मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से हम मऊ सहानिया जाएंगे और फिर उसके बाद उनको ध्वज अर्पित करके और वहाँ पे जो है वो जनसभा के माध्यम से इसका समापन करेंगे।